नमस्कार दर्शकों, मैं हूं आपके साथ लक्ष्मी पांचाल और आज मैं मौजूद हूं G20 स्पेशल रिपोर्ट को लेकर। G20 शिखर सम्मेलन का 18वां आयोजन दिल्ली में PM नरेंद्र मोदी की अगुवाई में 9 से 10 सितंबर को होगा। तो चलिए आपको बताते हैं इस G20 का पूरा शेड्यूल और इससे जुड़ी जानकारी। आपको बता दें, भारत फिलहाल में G20 शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता कर रहा है। G20 शिखर सम्मेलन का 18वां आयोजन दिल्ली में PM नरेंद्र मोदी की अगुवाई में 9 सितंबर से 10 सितंबर को होगा। G20 दुनिया के 20 देशों का ऐसा समूह है जिसमें 19 देश और यूरोपियन संघ शामिल है। इस शिखर सम्मेलन में सदस्य देश के साथ ही अन्य देशों को भी राष्ट्राध्यक्ष शिरकत करेंगे। तो चलिए आपको और इसकी अधिक जानकारी और इस G20 सम्मेलन को लेकर पूरा शेड्यूल क्या होने वाला है इसके बारे में बताते हैं। आपको सबसे पहले बताते हैं कि इस G20 सम्मेलन में कौन कौन सदस्य हैं। इस G20 के सदस्य कौन कौन हैं? भारत, अमेरिका, चीन, रूस, ब्राजील, कनाडा, अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, जर्मनी, इंडोनेशिया, इटली, जापान, मेक्सिको, कोरिया, गणराज्य, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, तुर्की, UK एवं यूरोपीय संघ इसमें शामिल है। अब हमने G20 के लिए किन किन को न्योता दिया है। भारत ने मिस्र, मॉरिशियस, नीदरलैंड, बांग्लादेश, मिस्र, मॉरिशियस, नाइजीरिया, ओमान, सिंगापुर, स्पेन एवं संयुक्त अरब अमीरात को भी न्योता दिया है, जिसके बाद ये देश भी G20 शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। अब आपको बताते हैं कि G20 सम्मेलन कहाँ आयोजित होने वाला है। तो G20 शिखर सम्मेलन का आयोजन दिल्ली स्थित ITPO कन्वेंशन सेंटर के प्रगति मैदान के भारत मंडपम में आयोजित होगा। यहाँ 9 से 10 सितंबर को G20 समिट होगा, जिसमें कई देशों के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी शामिल होंगे। बड़ी बात सामने आई है यहाँ पर जो है शेड्यूल क्या होने वाला है इसके बारे में बात करते हैं। आपको बता दें कि भारत में G20 की 200 से अधिक बैठकें होंगी। यह बैठक 60 शहरों में आयोजित की जाएगी। 3 से 6 सितंबर को चौथी शेरपा मीटिंग होगी। वहीं 5 से 6 सितंबर को यहां पर वित्त प्रतिनिधियों की मीटिंग होने वाली है। 6 सितंबर को संयुक्त शेरपाओं और वित्त प्रतिनिधियों की मीटिंग होगी। 8 सितंबर को सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित होंगे। वहीं 9 और 10 सितंबर को G20 समिट में मंत्रियों की मीटिंग रखी जाएगी। 10 सितंबर को गांधी जी की समाधि स्थल राजघाट जाएंगे, जहां राष्ट्राध्यक्षों का ग्रुप फोटो लिया जाएगा। अब आपको बता दें कि G20 की थीम क्या है। G20 की थीम भारत के राष्ट्रीय ध्वज के 3 रंग, केसरिया, सफेद और हरे रंग से प्रेरणा है। G20 लोगो के नीचे देवनागरी लिपि में भारत लिखा हुआ है। G20 की थीम वासुदेव कुटुम्बकम या एक पृथ्वी एक परिवार एक भविष्य है। पुलिस ने जारी की ट्रैफिक एडवाइजरी। आपको बता दें कि सम्मेलन बहुत बड़ा होने वाला है, नेशनली होने वाला है, इंटरनेशनली होने वाला है। इसको लेकर के शिखर सम्मेलन से पहले दिल्ली पुलिस ने आयोजन के दौरान आम लोगों को परेशानी न हो इसके लिए ट्रैफिक एडवाइजरी जारी की है। वहीं दिल्ली सरकार ने 8 से 10 सितंबर तक दिल्ली में सार्वजनिक अवकाश की घोषणा भी कर दी है। साथ ही पुलिस ने बताया है कि जरूरी वस्तुओं की दुकानें ही खुली रहेंगी। आज की रिपोर्ट में हमने जाना G20 शिखर सम्मेलन को लेकर शेड्यूल और इसकी जानकारी। आगे भी G20 की अन्य जानकारी और नई अपडेट के लिए और आयोजन में क्या क्या होने वाला है, क्या क्या आयोजन में होगा, इसकी जानकारी के लिए बने रहिए FP100 TV लाइव के साथ। मैं लक्ष्मी पांचाल फिर मिलूंगी नई खबरों को लेकर।